जय हिंद। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ ऐसी पद निकाले गए थे, कुछ ऐसे पोस्ट निकाले गए थे, जो बच्चे काफ़ी दिनों से स्पोर्ट्स खेल रहे थे, स्पोर्ट्स खेलते दौरान उनको ये लग रहा था कि भाई कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी भर्ती आनी चाहिए, तो भर्ती आई भी और बच्चों ने फॉर्म को भरा भी। अब भर्ती आने के बाद फॉर्म को अप्लाई किया और उसके बाद अब एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, तो जो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई किए थे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के उन पदों के लिए जो बच्चे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं, या फिर अलग अलग पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो आप सबको पता है कि यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए वाटर स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रॉस कंट्री है, हॉकी है, तीरंदाजी है, जिमनास्टिक्स है, भारोत्तोलन है, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उतने स्पोर्ट्स के लिए अलग से एक भर्ती निकाली गई थी स्पोर्ट कोटा में उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट कोटा में जिनका सर्टिफिकेट है उन्होंने अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद अब इसका क्या आ गया, एडमिट कार्ड आ गया है। तो बिना किसी देरी के इस फॉर्म को अप्लाई करना है, और सबसे पहले अप्लाई तो आपने कर दिया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो हम आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले आप जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो निकाला गया था, आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती निकाली गई थी। जो खिलाड़ी थे उनके लिए क्या किया गया था, सीधी भर्ती निकाली गई थी, और उसमें आपको पता है कि टोटल जो निकाला गया था ये 5200 ग्रेड पे था टोटल, जिसमें 534 पद निकाले गए थे, 335 पुरुष के लिए थे और 199 महिला खिलाड़ियों के लिए थे, मतलब 199 महिला खिलाड़ी भी इसमें आवेदन कर सकते थे। और इसको आपको इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए टोटल इसमें 22 टोटल जगह थी, जो 22 खिलाड़ी हैं, जो 22 तरीके से हमारे जो गेम्स हैं उस 22 गेम्स को इसमें शामिल किया गया था, कुश्ती को, साइकिलिंग को, शूटिंग को, ठीक है, ताइक्वांडो, तैराकी, सब मिला के टोटल 335 पोस्ट ओवरऑल निकाले गए थे, और महिला के लिए भी निकाले गए थे। आपको पता है महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इन सबका मिला के टोटल 199 पोस्ट आपका महिला खिलाड़ी के लिए निकाला गया था, ये आपको पता है, ठीक है। और ढेर सारी इसमें छूट भी मिला था। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आप अपनी वेबसाइट www.uppb.gov.in पर जाकर इस को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी एक प्राइवेट जो वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो भर्ती निकाली गई थी ये लखनऊ से निकाली गई थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। इस भर्ती को आपने क्या किया होगा, आपने कर लिया होगा, तो इसका पूरा इन्होंने लेख दे रखा है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती द्वारा जो ये बोर्ड ये जो भर्ती निकाली गई थी उस भर्ती का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, तो बिना किसी देरी के आप इस भर्ती का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर आधार नंबर, अपना आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर दिया है एंटर योर कैप्चा, यहाँ कोड दर्ज करें, तो आप अपना कैप्चा डालेंगे और गेट डिटेल्स में जाकर आप अपने आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और एग्जाम डेट आप देखेंगे, आपका एग्जाम डेट आपके सामने है। तो बेटा हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ें, निरंतर कोशिश करें और भारतीय उत्तर प्रदेश पुलिस में आप शामिल हों, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।